हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको एक 12+12 स्लॉट और 12+12 कॉइल का जो मिनी यानी छोटा स्टेटर आता है ओरिएंट का, उसका आपको फुल रेवेन्यू डेटा कॉपर वायर में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं RS इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसमें। स्टेटर जैसा कि देख सकते हैं किस तरीके से मेरा वाइंडिंग हुआ है, हमने जो वाइंडिंग किया है मशीन से किया है। और इसमें हम स्लॉट की बात करें तो 12 स्लॉट हैं और कॉइल की बात करें तो 12 कॉइल हैं। दोस्तों, इसमें जो PVC पेपर यूज़ हुआ है वो 7 नंबर PVC पेपर यूज़ हुआ है, और इसमें जो आपका कैपेसिटर यूज़ होगा वो 2.5 MFD इसमें कैपेसिटर यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसकी स्टम्पिंग साइज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो स्टम्पिंग है यहाँ से देख सकते हैं, इसकी स्टम्पिंग जो है ये लगभग 14 से 15 mm तक इसकी स्टम्पिंग है। जो मैं डेटा बताऊँगा वो 13 से लेकर 16 mm तक को डेटा आपका चल जाएगा। तो चलिए आपको वाइंडिंग डेटा बताते हैं। तो गाइस, इसमें जो आपको स्टार्टिंग SWG यानी जो आपका अंदर SWG रहेगा वो आपका 36 नंबर आपका SWG रहेगा। और दोस्तों, इसमें जो आपका टन रहेगा वो 36 नंबर से आपका 340 टन रहेगा अंदर वाली कॉइलों में। और दोस्तों, जो आपका ऊपर वाला कॉइल रहेगा वो भी आपका 36 ही नंबर आपका रहेगा, और ऊपर जो आपका टन रहेगा वो 370 टन रहेगा। और दोस्तों, इसमें जो कैपेसिटर लगेगा वो 2.5 MFD कैपेसिटर यूज़ होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।